नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज ये एडवांस मेकओवर का एचडी का एडवांस क्लास का एग्ज़ाम है। आज ये सेकंड बैच का एग्ज़ाम है। हम इसी में एक सिखाते हैं टीचर है, एज ए टीचर आंटी का थ्रू से है, सुल्ताना आंटी का आशा सिंह। हाँ, एग्ज़ाम है आज इसका, इसमें 10। एचडी मेकअप क्या होता है? एचडी मेकअप है हाई डेफिनेशन मेकअप है, अपना लुक के ऊपर, मतलब लुक को और निखारने के लिए। एकदम ऐसा नहीं कि पूरा प्रोडक्ट डाल दिए हैं, नॉर्मल इसमें नॉर्मल एचडी दोनों एचडी में क्या होता है, पूरा स्किन के हिसाब से होता है, प्रॉपर मेकअप होता है इसमें। ये तो बहुत काफ़ी महंगा होता होगा। एडवांस है होगा तो कॉस्टली तो होगा, लेकिन खुद का ऊपर काम के ऊपर है, कौन कैसा काम करता है, कितना प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट यूज़ करता है। आज के एग्जाम के बाद इनका क्या परिणाम भी, मतलब उनका रिजल्ट कब दिया जाएगा? रिजल्ट अभी डेट नहीं होगा, तो ईद के बाद डेट फिक्स नहीं। तो जो काम पसंद है एच डी मेकअप के बारे में बताएंगे, जो मतलब कि प्रोफेशनल काम है बॉलीवुड में, बाकी हॉलीवुड में सब जगह ही अभी यूज है। और ऐसा मतलब स्टेज बहुत टाइम तक करता है, ऐसा नहीं कि अभी किए 2 घंटा बाद चला जाएगा, जब तक आप क्लीन नहीं। वाटर प्रूफ भी है, पानी में रहने से भी कुछ नहीं होता है। मध्यम वर्ग की लड़कियां भी इसको यूज कर सकती हैं? हाँ, काय नहीं कर सकती, सब कर सकती हैं। बोलिए। मेरा नाम रजिया सुल्ताना, हम यहाँ सिलाई का टीचर हैं। और अभी आज एचडी मेकअप का ये एग्ज़ाम हो रहा है, दुल्हन को कैसे सजाना है, दुल्हन को कैसे ये करना, लड़की लोग अपने आप पर डिपेंड होती है। और इसमें ज़्यादा मैंने कुछ खर्चा भी नहीं है, लड़कियाँ लोग अपने मैंने जो करना चाहती है, दुल्हन सजाना चाहती है, इससे बॉलीवुड का ये सब हीरोइन लोग पर भी इसमें इस्तेमाल कर सकती है, सब मेकअप का सामान। कितने दिनों का ये कोर्स होता है? ये है 8 हफ्ते ना है, 3 महीना 3 महीना का कोर्स, सप्ताह में दो दिन। लोगों को क्या यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग जैसे सफल होती है, तो इन लोग को क्या देके सम्मानित किया जाता है? इन लोग का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है। लोग अपना ये रहता है कि हाँ, हम लोग कर चुके हैं, आगे भी अपना कहीं कर सकती है, अपना खोल भी सकती है। आपका नाम क्या है, कौन सा संस्था है? मेरा नाम सुल्ताना बेगम है और न्यामतपुर रोशन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी संस्था का नाम है। यहाँ पे सिलाई है, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी और एचडी आज जो ब्राइडल क्लास है, ये नर्स का ट्रेनिंग, सब बच्चों का क्लास सारा होता है। आज क्या एचडी मेकअप क्लासेस का परीक्षा हुआ? जी। कितने बच्चे आई हैं? 10 बच्चियाँ हैं इसमें, 11 बच्चियाँ अभी। एचडी मेकअप का ये डिटेल ये है कि जैसे हम लोग नॉर्मली जो मेकअप करते हैं बेसिक क्लास में जो करवाते हैं वो नॉर्मल में चला जाता है, कि आम लोग भी इससे 1,000-2,000 में अपना लड़कियां जो है इस पर ऑर्डर लेके काम कर सकती, लेकिन ये एचडी का भी फैशन चला हुआ है और ये मेकअप बहुत देर तक टिका होता है और इसका रेंज भी कुछ ज़्यादा ही होता है। कम से कम 10,000 रुपये एक लड़की एक दुल्हन को अगर सजाती है तो वो 10,000 का ऑर्डर लेती है, 10 से 12-15 वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, सभी स्किन पे होता है। यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, बताया तो पेंटिंग है, मेहंदी, ट्यूशन के अलावा सब कुछ सिखाया जाता है। कितने उम्र की बच्चियों को ये ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है? 16 साल से लेके 40 प्लस तक की बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं। तो ये जो एचडी मेकअप है जी, ये तो काफ़ी महंगा है जी, आपके यहाँ क्या रेट में सिखाया जाता है? नहीं, ये एचडी मेकअप का जो क्लास आजकल जो चल रहा है बहुत जोरों शोरों से, ये क्लास नॉर्मली मतलब मिनिमम मतलब 15,000-20,000 तक का कोर्स ये चलता है, लेकिन मैं एक सोसाइटी के तहत इसे 2,500 कोर्स में 3 महीने का कोर्स करवाती हूँ
आप 12 दिन का क्लास होता है इस तरह से करवाते, सिर्फ 2500 रुपये में। और मेकअप से ये एचडी मेकअप अलग कैसे है? बिल्कुल अलग है कि इसमें मतलब चेंज हो जाती है, मतलब ये समझ लीजिए। क्या चेंज हो जाती है? लड़के का लुक होता है, जैसे एचडी मेकअप के जरिए आप मोटे चेहरे को पतला दिखा सकते हैं, नाक का शेप, चेहरे का शेप, सब दाग धब्बा छुपने के अलावा अब बहुत घंटों तक टिका रहता है। कितने घंटे तक? कम से कम अगर गर्मी का टाइम है तो 8 घंटा तक तो रह ही जाता है, और सर्दी के मौसम में तो 24 घंटा ही बोल सकते हैं। हम ऋतु सिंह अमांति का स्टूडेंट है। आज है एच डी मेकअप का एग्ज़ाम है, बेसिकली ये है बहुत एडवांस है, इसमें आप बहुत कुछ करते हैं, दाग धब्बा छुपा सकते हैं। अभी का सब कोई चाहता है ज़्यादा एडवांस में जाए, अभी नॉर्मल कोई नहीं चाहता, जो नॉर्मल करेंगे किसी को सजाने सब चाहता है हम एच डी करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कम खर्चा कांति के थ्रू से कम खर्चा में हम लोग सबको सिखा सकते हैं। सब तो दस हाँ हम कर चुके हैं, हम तो पुरुलिया से थे और आंति के पास भी किए थे। हम तो आंति के पास बेसिक क्लास करने आए थे, उस चीज़ के थ्रू से हम आंति के पास गए। और जो क्लासेस चलता है यहाँ पे रोशन एजुकेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, कुछ अलग है? यहाँ पर क्या है, आंटी के साथ हम दूसरा जगह क्या क्लास खत्म हो गया उससे खत्म, इसमें आप कभी भी आंटी से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्लास खत्म हो गया आंटी से रिश्ता नहीं, आंटी और भी बताएगी, और कुछ मिलेगा तो फिर आंटी बताए सबसे ज़्यादा। और हाँ आंटी के पास और सुविधा, आंटी के पास सब कोई सब कुछ कर सकता है, क्योंकि कम खर्चा में यहाँ पर बहुत अच्छा सिखा रहा, ये सब सिखाने बाहर सिखाने जाएगा तो 25,000-30,000 ले रहा, और आंटी यहाँ पर कम में बहुत अच्छा सिखा दे रहे, 25,000 में सबको जो भी लड़की चाहे। शिखा तो पदक, हाँ मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ। क्या सीख रहे हैं? एच डी ब्राइडल मेकअप। कितनी महीने की क्लास? 3 मंथ। 3 महीने की कितनी क्लास? 12th क्लास। क्या अमाउंट, क्या फीस लगा आपका? 2500। अदर जगह अगर सीखते तो क्या लगता है? अदर जगह में तो 10,000 है, 12,000 है। बहुत अच्छा, आंटी आंटी भी हम लोगों का हेल्प की, फिर बाकी जो दी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हम मतलब सेटिस्फाइड, और इसको हम सजाई तो बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ इसलिए इनको सजाएंगे। हाँ इनका नाम क्या हुआ? निशा साहब। आप कहाँ रहते हैं? हम राधानगर सिनेमा हॉल। मेरा नाम चांदनी। आज क्या एच डी मेकअप में आप भी शामिल हुए थे? क्लास की एग्ज़ाम था। कितने दिनों का क्लास था? 3 महीना का। उस क्लास कंप्लीट हो गया आपका? हाँ। आज एग्ज़ाम हो रहा था। हाँ। तो ये जो मेकअप किए हैं आप ही किए हैं? हाँ। अच्छा एच डी मेकअप में और नॉर्मल मेकअप में क्या फ़र्क है? एच डी का प्रोडक्ट अलग है। अच्छा इसे चेहरे में निखार कुछ ज़्यादा आ जाता है एच डी मेकअप से? अच्छा ये एडवांस मेकअप है। तो आज आपका कंप्लीट हो गया कोर्स? हाँ। तो इसको सीख के आगे क्या करना है? आगे काम करना है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? तो आज आप भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे? जी मैं इनकी मॉडल के। अच्छा इनकी मॉडल है, इन्होंने जो सीखा है वो सारा आप पे एक्सपेरिमेंट किया? तो आपका एडवांस मेकअप मतलब किस तरह फील कर रहे हैं आप एडवांस मेकअप में? फीलिंग इज गुड। कुछ डिफरेंट है नॉर्मल मेकअप से? कुछ डिफरेंट बेसिक से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये एडवांस है इसलिए डिफरेंस है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक।